16वां फोटो, प्रभु यीशु ने बहुत दुख उठाए। प्रभु यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए और लोग तीसरे पीछे हुए। जब प्रभु यीशु ने तिना के बोलिया कि तुसे पापी है, तो दुश्मना ने तिना साथे बुरा बर्ताव कित्या। तिना लोगों का सरदार बुरा था, तिना ने ये कदी नहीं मान्या कि यीशु परमेश्वर रा लड़का है। तिना ने से पकड़वाया, तीसरे बारे च झूठ बोलिया होर मारिया। तिना ने तीसरे सिरा पांदे कांटरा मुकुट पहनाया होर क्रूसा पांदे चढ़ाया। पर यीशु ने इजा विरोध नहीं कित्या, क्योंकि से जानो था कि एड़ा ही होना। तीसरे दुख चकने रे पीछे प्रभु री योजना थी। 17वां फोटो, यीशु क्रूसा पांदे चढ़ाया। बादा ते प्रभु यीशु के क्रूसा बांधे चढ़ाया और तब तक चढ़ाया जब तक से मरी नहीं गया। ते साथे दो होर डाकू भी थे, तिना के भी एड़ी मौतारी सजा देती। एड़ी मौत तिना दिनारी रिवाज थी, पर प्रभु यीशु ने कोई जुर्म नहीं कित्या था। तिने इस पृथ्वी रा पापा रा दाम चुकाने रे लिए बलि दीती। 18वां फोटो, दूजी बार जी उठना। प्रभु यीशु रे दुश्मना ने सोचा कि ये मरी गया, पर एड़ा नहीं हुआ। प्रभु यीशु रे क्रूसा बांधे मरने ते बाद तिनारे दोस्ता ने तीसरा मर्यादा शरीर गुफा चे रख दित्या और गुफा रा दरवाजा पांदे ते एक बड़ा पाथर रख दित्या। दो दिना बाद तीजे दिना प्रभु फिर जी उठे। जब कुछ छोटिया कबरा पांदे आईया तो तिना ने देखा कि पाथर कबरा पांदे ते किनारे लुट के आया है और यीशु तेती नहीं है। तो दो स्वर्गदूत तेती तिना के संदेश देने बैठे थे कि से एती नहीं है और से जी उठा। जब प्रभु यीशु मर्यादा में से जी उठे तो तिना है पता लग गया कि से परमेश्वर है। प्रभु यीशु आज भी जीवित है और वे सदा रहने। वे पूत और मौता ते भी बड़े सामर्थी है। 9वां फोटो, थोमा विश्वास करवा। प्रभु यीशु रे जी उठने के बाद तीसरे कई दोस्तों ने देखा, तिना साथे बात कीती और तिना साथे रोटी खाई। थोमा जो तीसरे दोस्तों और चेलों में एक था, विश्वास नहीं कित्या कि यीशु फिर जी उठा है। तिने बोलिया, जब तक मैं तीसरे हाथ अरे जख्म छुई के नहीं देखूं, माखे विश्वास नहीं होना। बाद यीशु बंद कमरे से थोमारे सामने आया, थोमारा सारा शक खत्म हुआ। से प्रभु यीशु रे पैरा से गिरया, मेरे प्रभु। यीशु ने बोलिया, धन्य है वो जिन्होंने हाउ नहीं देखा ते भी विश्वास कित्या। 20वां फोटो, स्वर्ग चे जाना। प्रभु यीशु रे जी उठने ते बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु तिनारे बीचे दिखाई देते और तिनारी गवाही देती कि वह जीवित है। तेता बाद यीशु अपने पिता के जाने लगे, क्योंकि वह जो काम करने आया था वह पूरा करता। प्रभु यीशु ने अपने चेलिया के बोलिया कि तुसे इस शुभ समाचार के हर जगह लोगा के सुनाओ। जेड़ा कि चेलिया ने देखा कि प्रभु यीशु इस संसार के छाड़ी के स्वर्ग से चले गए। फिर दो स्वर्गदूत सामने आए और बोलिया कि जिया प्रभु यीशु स्वर्ग से गए, तिया ये फिर धरती पांदे आने। 21वां फोटो, खाली क्रूस। प्रभु यीशु क्रूसा पांदे क्यों मरया? प्रभु यीशु आसे जेड़े पापियारी पापारी सजा बचाने री खातिर क्रूसा पांदे मरया। प्रभु यीशु बेकसूर थे, पर से उन पापियोरी खातिर मरया जो आसा जो परमेश्वर ते अलग करोए। करूस आसा जो यह याद दिलावा कि प्रभु यीशु परमेश्वर बेकसूर मेमना था जो मारे लिए बलिदान हुआ। जेबे आसे प्रभु यीशु बांधे विश्वास करोए होर अपने पापा जो छोड़ोए, तेबे मारे सारे पाप माफ हो जाओए होर सारे परमेश्वर रे अनंत कालीन घर आरे सदस्य बनी जाओए। 22वां फोटो, दो रास्ते। प्रभु यीशु ने शिक्षा दी थी कि जीवना चे दो रास्ते
और दो अंतिम परिणाम है। से आदमी जिन्होंने प्रभु यीशु के अपना उद्धार करने वाले रे रूपा से ग्रहण नहीं कित्या, से पापा रे चौड़े रास्ते से मौता के नरका चे। से आदमी जिन्होंने प्रभु यीशु के मेरा अपना उद्धार करने वाला रूपा से ग्रहण नहीं कित्या, से पापा रे चौड़े रास्ते से मौता के नरकारी सदा सदा के सजारी ओर आउना। ये आदमियारा स्वाभाविक नतीजा है। आसे जन्म और मृत्यु दोनों ही पाऊँ इति माफ शांति होर जानवर छोटे रास्ते हैं जो परमेश्वर रे स्वर्गारी खातिर जाओवे। इच्छे जाने रे खातिर आशा के पाप और स्वेच्छा से दूर रहना चाहिए और पूरा भरोसा यीशु पांदे ही रखना चाहिए। यीशु ने बोलिया, मैं ही दरवाजा हूँ, यदि कोई आदमी मानते आंद्रे जाए तो तिसके उधार मिलना। छोटे रास्ते पर चलने रे लिए पापोरा कोई न्याय नहीं होगा, क्योंकि तिनारे पाप यीशु मसीह ने क्रूसा पांदे खून बहाने से धोई दिते। यदि तुसे यीशु रे पीछे आना चाहोए तो तुसे प्रार्थना में इया परमेश्वरा साथे बात कर सकोए। प्रभु हाँ जानूए हाँ पापी है, हाँ विश्वास करूँ कि यीशु मेरे पापरे लिए क्रूसा पांदे मरिया, माखे माफ कर होर मेरे दिला के पापा ते साफ कर। तुसे माखे अपने परिवार सदस्य बनाओ। हाँ यीशु रे जीवनारे साथे पीछे आना चाहूँ और मौत के बाद ते तुसा साथे स्वर्गा पांदे रहूं। धन्यवाद प्रभु। यदि तुसे सच्चे विश्वास साथे प्रार्थना करोगे तो तुसे छोटे बाटा ते भी प्रवेश करोगे जो शांति और आनंददारी बाट है। ये मारे दिला चे विचारों और इच्छाओं के जानूई।